प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चींटियां और भिंडी कीड़ा। एक जंगल में बहुत सारी लाल चींटियां रहती थी और हर समय हर वक्त भोजन एकत्रित करने में लगी रहती। उन्हें लगता बरसात का मौसम आने वाला है, फिर हमें भोजन मिले ना मिले, इसीलिए हमें समय से पहले सारे काम निपटा लेने चाहिए। वह चींटियां हर वक्त मेहनत ही करती और उन चींटियों के पास ही कई सारे भिंडी कीड़े भी रहते थे। वह भी मेहनत करते थे, लेकिन वह चींटियों से कम मेहनत करते थे, क्योंकि वह चींटियों से थोड़े बड़े भी थे और थोड़े उनसे ताकतवर भी थे और मेहनती भी थे। अब वह हर वक्त चींटियों को यही चिढ़ाते, तुम तो एक चावल के दाने को चार चार चींटियां उठाती हो और हम तो कई सारे चावल के दाने एक साथ एक ही भिंडी कीड़ा उठा लेता है। अब वे हर वक्त चींटियों को नीचा ही दिखाते रहते और चींटियों को यही बोलते रहते कि तुम तो हर वक्त मेहनत ही करती रहती हो और एक दाने को उठाने के लिए तुम्हें तो पूरी चींटियों का झुंड चाहिए और हम देखो एक ही कीड़ा सारे काम कर लेता है। अब चींटियों को हर वक्त नीचा दिखाने का काम ही वह करते। एक बार चींटियों ने उनसे मुकाबला करने के लिए कहा। चींटियों ने कहा, तुम हमसे मुकाबला करके तो देखो, तुम्हें हरा ना दिया तो। अब भिंडी कीड़ों ने चींटियों से कहा, तो ठीक है, लगी शर्त, अगर तुम हमारे जितना वजन उठा लोगी तो हम भी तुम्हें मान जाएंगे। अब चींटियों ने यह मुकाबला स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, हम भी तुम्हें यह सब कुछ करके दिखाएंगी और तुम्हारे जितना वजन उठा के दिखाएंगी। अब चींटियां बेचारी तो लग गई मुकाबले की तैयारी में। उन्होंने कहा, हम आज भिंडी कीड़े से जीत कर दिखाएंगी और उस कीड़े से मुकाबले में हम जरूर जीतेंगी। यह सोचकर सारी चींटियां मेहनत में लग गई और रोजाना से ज्यादा वजन उठा उठा कर अपने आप को बलशाली बनाने लगी। अब हर चींटी रोजाना से अधिक वजन उठाती और कहती, हमने उन कीड़ों से जीत कर दिखाना है और यह मुकाबला हमारी चींटियों में कोई भी नहीं हारेगा, हम सब मुकाबला जीत कर दिखाएंगी, इसमें हमारी चींटियों की शान होगी। अब वह कीड़े उन चींटियों पर हंसते। अब एक चींटी चार चार चावल के दाने उठाकर अपने आप को बलशाली बनाने लगी और सही भी हुआ, चींटियां ज्यादा वजन उठाकर अपने आप को बलशाली बना रही थी और ऐसा हो भी रहा था। दिन प्रतिदिन चींटियां ज्यादा वजन उठाकर अपने आप को ताकतवर बनाती चली जा रही थी। अब उन्हें वजन उठाने की आदत भी पड़ने लगी। अब आ गया वह दिन जो दिन मुकाबले का तय किया गया था। अब उस दिन सारे भिंडी कीड़े इकट्ठे हो गए और सारे एक ही लाइन में एक ही कतार में खड़े हो गए कि आज तो हम चींटियों को हरा कर ही दम लेंगे। और यहाँ पर तो चींटियाँ सारी की सारी एकत्रित होकर खड़ी हो गई और बोली, आज हम इन कीड़ों को सबक सिखा कर छोड़ेंगी कि चींटियाँ भी कुछ कर सकती हैं और इनमें भी दम है। अब मुकाबले का समय आया और तय किया गया कि कौन कितना वजन उठाएगा और काफी सारे सामान को रखा गया जिसे वह चींटियों को उठाना था, जिसमें भोजन का कुछ कुछ सामान था। अब वह चींटियां तो लग गई सामान उठाने के लिए। अब उनमें से एक भिंडी कीड़ा आया और उसने अकेले ही वह सारा का सारा सामान उठा लिया। अब वही सामान उस चींटी को भी उठाना था। अब वह चार चींटियां आई और उनसे पहले तो वह कुछ भी नहीं उठ पा रहा था,
लेकिन उन्होंने भी ताकत लगाई, दम लगाया और फिर वह सामान उठाकर दिखाया और भिंडी कीड़े फिर चींटियों से लग गए। अब तुम और दुगना सामान उठाकर दिखाओ, देखो हम कितना उठा सकते हैं। और भोजन का सामान भिंडी कीड़े अकेले ही उठा रहे थे और यहाँ पर चार चार चींटियों ने दम लगाया और वह सामान उठाकर दिखा दिया। अब तो बेचारे भिंडी कीड़े अपना सा मुंह लेकर वापिस आ गए और चींटियों से बोले, वाह तुमने तो बहुत मेहनत की है, तुमने तो हमें इस मुकाबले में हरा दिया। अब बेचारी चींटियां सारी की सारी खुश हो गई और उन्हें लगा कि हम में भी दम है और हम सब कुछ कर सकती हैं। देखा बच्चों, कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मेहनत और बल के द्वारा हम सब कुछ जीत सकते हैं। जैसे इन चींटियों ने हिम्मत नहीं हारी और मुकाबला स्वीकार किया और उन भिंडी कीड़ों को यह दिखा दिया कि हम छोटी सी चींटी भी सब कुछ कर सकती हैं।